नमस्कार जूनियर्स मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स बेहतर तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है सो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अटेंडेंस आप लोगों को कैसे मेंटेन रखनी है या फिर अटेंडेंस का कोई इशू आएगा तो क्या होगा सो so, सारी चीजें अटेंडेंस रिलर्डिंग आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ शुरू करते इस वीडियो को मैंने किसी प्रॉफिट और लॉस के सो so, जब से आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर आईपी यूनिवर्सिटी का भी शुरू हुआ है 2024 के अंदर तब से मेरे को बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस करके पूछ रहे हैं भैया है मेरा अटेंडेंस का ये इशू चल रहा है मेरे कॉलेज वाले मेरे को ऐसे परेशान कर रहे हैं वैसे परेशान कर रहे हैं मैंने तो कॉलेज ही अभी ज्वाइन करा है मतलब बहुत सारे अलग अलग इश्यू आप लोगों को अटेंडेंस रिगार्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं बहुत सारे कॉलेजे आप लोगों को अटेंडेंस के रिगार्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर छूट भी दे देते हैं मतलब आप लोगों लोग अटेंडेंस रिग्डिंग कुछ भी रोक टोक नहीं करी जाती है लेकिन वहीं पर कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा स्ट्रिकनेस मेंटेन करते हैं या फिर थोड़ा सा नाटक करते हैं स्ट्रिकनेस का अभी स्ट्रिकनेस का नाटक से मेरा क्या मतलब है स्ट्रिकनेस से नाटक का मेरा ये मतलब है कि आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर देखो कॉलेजेस को कुछ रोक टोक नहीं करनी चाहिए आपको एग्जाम देने के लिए अलाउ कर देना चाहिए बट वहां पर कुछ कॉलेजेस आप लोगों को अलाउ नहीं करते हैं रोक टोक करते हैं तो वो रोक टोक इसलिए करते हैं ताकि वो आप लोगों से पैसे कमा पाए बिल्कुल कॉलेजेस क्या करते हैं कॉलेजेस आप लोगों को इंटरनल एग्जाम्स देने से रोक देते हैं और वहां पे वो आप लोगों को बोलते हैं कि आपको री इंटरनल देना पड़ेगा जिसके लिए आप लोगों को इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे सो so, पर सब्जेक्ट कोई कॉलेज पांच सौ लेता है कोई कॉलेज हजार रुपये लेता है कोई कॉलेज पंद्रह सौ लेता है सो so, वो सारी चीजें अलग अलग होती है मेरे को बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं हर साल कि भैया हमसे हमारा कॉलेज इतने पैसे ले रहा है उतने पैसे ले रहा है सो so, भाई देखो वो आईपी यूनिवर्सिटी ने कहीं पर बोला नहीं हुआ है वो कॉलेज के खुद के नॉर्म्स होते हैं कॉलेज के खुद के रूल्स होते हैं आईपी यूनिवर्सिटी ने हाँ ये चीज़ बोली हुई है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि री इंटरनल के लिए आप लोगों को पैसे लेने सो बिल्कुल कॉलेज री इंटरनल करवाने के लिए पैसे जरूर ले सकता है इंटरनल एग्जाम्स के लिए पैसे आप लोगों से नहीं ली जाते क्योंकि वो फीस के अंदर ऑलरेडी एडेड होते हैं लेकिन री इंटरनल के लिए so, मेडिकल नहीं जा रहे हैं मतलब जो भी इशू आप लोगों के फर्स्ट का है तो देखो पहली तो सोचने की जरूरत नहीं है आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आईपी यूनिवर्सिटी का नॉर्मली नॉर्म यह कहता है कि आप लोगों मेंटेन करके रखनी अपनी अटेंडेंस बट बहुत सारे बच्चे ऑब्वियसली बात है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मेंटेन नहीं कर पाते बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट नाइन परसेंट से लेकर हंड्रेड परसेंट बच्चे ही सेवेंटी अटेंडेंस नहीं मेंटेन कर पाते क्यों क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर था वो तो भाई अगस्त के अंदर ही स्टार्ट हो गया था तो अगस्त हो गया सितंबर हो गया दो महीने तो बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन करा ही नहीं है दो महीने तो बहुत सारे बच्चे कॉलेज गए ही नहीं है जो बच्चे गए भी हैं वो है के से गए या फिर जस्ट सेप्टेब के अंदर गए हैं तो मतलब एक महीने के अंदर भी आप लोग अपनी अटेंडेंस को पूरा नहीं कर सकते हो दूसरी चीज बहुत सारे कॉलेज ने गेट रहते हैं आप लोगों की इंटरनल के लिए भी आप लोगों को सेवेंटी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है आप लोगों को इंटरनल के लिए पहली बात नहीं चाहिए होती आप लोगों को सिर्फ एक्सटर्नल के लिए चाहिए होती है और दूसरा ये जो नॉम आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इतना ज्यादा अप्लाई नहीं होता है क्योंकि आप लोगों का जो सेमेस्टर ना, पहली बात तो वही छोटा हो जाता है अगस्त से भी अगर सेमेस्टर नॉर्मल बच्चों के लिए स्टार्ट हो रहा है तो आप लोगों का सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर से या फिर मिड से तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी आप लोगों का सेशन होता है वो तो आप लोगों को वहीं से छोटा हो जाता है मतलब आप लोगों को जो भी सेमेस्टर होता है वो तो वहीं से छोटा हो जाता एक डेढ़ महीना सो उसके अंदर आप लोगों को करना कुछ नहीं है जब भी आप लोगों का एडमिशन हुआ उसके बाद से कॉलेज जब भी जाना शुरू कर दिया उसके बाद से भाई आप रेगुलर कॉलेज जाओ बीच में एक दिन की भी छुट्टी मत लेना क्योंकि वहां पर कॉलेज वालों को एक बहाना मिल जाता है कि देखो आपने यहाँ पे बीच में छुट्टी ले रखी है पे दो दिन की छुट्टी ले रखी है पे तीन दिन की छुट्टी ले रखी है सो यहाँ से आपकी अटेंडेंस कम हो रही है बहुत सारे कॉलेजेस आप लोगों को फंसाने की कोशिश करेंगे सो जस्ट कॉलेज बच के रहो भाई ऐसा आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है आप लोग रोज कॉलेज जाओगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो जुनिस आई होप आप लोग इस वीडियो के बाद से थोड़ा सा चिल हो जाएंगे अटेंडेंस के रिगार्डिंग बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में बिक लेते हैं धन्यवाद